और वहीं गुजरात को राहुल गांधी ने वो कौन कौन से वचन दिए हैं, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा, इसी के साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसी के साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी राहुल गांधी की तरफ से किया गया है गुजरात वासियों को। इसके साथ ही कोरोना काल में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पर। 3 लाख परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। इसी के साथ ही जो अगला वादा राहुल गांधी की तरफ से किया गया वो ये कि 3000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे अगर हमारी सरकार गुजरात में बनती है तो। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान इसी के साथ किया गया। एक हजार वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से गुजरात में अगर हमारी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो। तो वहीं छोटे व्यापारियों की मदद की जाएगी। रोजगार को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से ये वचन दिया गया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसी के साथ ही दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी।